आज हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ टी पार्ट टू। दस द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी, जो चाय पीने की जो हैबिट थी, स्प्रेड टू जापान, यूरोप एंड इंग्लैंड। जापान, यूरोप, इंग्लैंड तक पहुंच गई। वेर इट बिकम अ फैशनेबल एंड पॉपुलर ड्रिंक अमंग द पीपल। ये जो था बड़ा ही फैशनेबल, लोग इसको फैशन से पीते थे, पॉपुलर था, बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा ड्रिंक था लोगों के बीच में। हाउ डिड दिस मैजिकल बेवरेज गेट इट्स नेम। इस मैजिकल जादुई जो पेय पदार्थ है, इसको अपना नाम कैसे मिला। द चाइनीज कैरेक्टर टी यू वॉज फर्स्ट यूज इन अर्ली इंस्क्रिप्शन। द चाइनीज कैरेक्टर जो है टी यू ने अपने पहले इंस्क्रिप्शन में अपने उसने जो लिखा है उसमें लिखा है डिस्क्राइब इट टी, उसने इसे टी का नाम दिया है। बट लेटर अ न्यू कैरेक्टर, जब उसने जो नया कैरेक्टर लिखा चा, वॉज डेवलप टू रेफर, फिर इसे डेवलप किया गया टू रेफर स्पेसिफिकली टू टी, इसे टी के लिए रेफर किया गया। द वर्ड चा इज नाउ समटाइम्स यूज इन इंग्लिश टू रेफर टू चाइना टी। अभी कभी कभी ये जो चा जो वर्ड है ये समटाइम यूज इन इंग्लिश, इंग्लिश में यूज होता है टू रेफर टू चाइना टी, चाइना चाय के लिए। एंड एज वेल एज नो इट इज वेरी क्लोज टू द हिंदी वर्ड चाय। और ये जो चा जो है टी, ये हिंदी वर्ड चाय से काफ़ी क्लोज है, आसपास है। विच इज यूज ऑल ओवर द इंडिया टू रेफर टू टी, ये इंडिया में यूज होता है चाय के लिए। हाउ डिड टी फर्स्ट कम टू इंडिया, सबसे पहले इंडिया में चाय कैसे आई। हिस्टोरियंस थिंक दैट टी हैड बीन नोन इन इंडिया एज अ मेडिसिनल प्लांट। जो हमारे इतिहासकार है वो सोचते हैं दैट टी हैड बीन नोन इन इंडिया एज अ मेडिसिनल प्लांट, एक औषधीय झाड़ के रूप में ये इंडिया में आई। सीन्स एंशियंट टाइम, पुराने जमाने से। बट टी वॉज नॉट ड्रंक फॉर प्लेजर, ये जो चाय है ये प्लेजर के लिए पी नहीं जा गई। अनटिल द ब्रिटिश बिगेन टू एस्टैब्लिश प्लांटेशन इन द 19th century, जब तक ब्रिटिश लोगों ने 19th century तक प्लांटेशन नहीं किया। इन द 1770s द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड सेवरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ग्रो टी इन भूटान एंड असम। इन 1770s में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, मेड सेवरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, बहुत ही ऐसे अनसक्सेसफुल प्रयास उन्होंने किए, अपयशी प्रयास उन्होंने किए टू ग्रो टी इन भूटान एंड असम में। विथ सीड्स फ्रॉम चाइना, उन्होंने चाइना से बीज लाया पर वो सक्सेस नहीं हुआ। ऑल दो दीज अटेम्प्ट फेल्ड, ये सारे सक्सेस नहीं हुए, अपयशी हुए। द बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्रूस इन 1823, जो बॉटनिस्ट था 1823 में, डिस्कवर्ड टी प्लांट्स ग्रोइंग वाइल्ड इन द अपर ब्रह्मपुत्रा वैली। अपर ब्रह्मपुत्रा वैली में ये जो था बहुत ज़्यादा, ये जो टी प्लांटेशन हुआ था। इन मे 1838 द फर्स्ट इंडियन टी फ्रॉम असम वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर पब्लिक। फिर 1838 में पहली असम की जो बनी हुई चाय पत्ती थी वो भेजी गई इंग्लैंड में फॉर पब्लिक सेल के लिए। सीन्स देन इंडिया हैज़ गॉन ऑन टू द बिकम वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। इस तरह से इंडिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर बन गया है, उत्पादक बन गया पूरे संसार में। टी लवर्स क्लेम दैट टी मे बी एबल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। जो टी के जो चाहते हैं वो सोचते हैं दैट टी मे बी एबल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर का जो खतरा है वो कम करता है। कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करता है। फाइट वायरसेस इन आवर बॉडी एंड एक्चुअली हेल्प अस लिव लॉन्गर। तो टी जो है ये वायरस से फाइट करता है इन आवर बॉडी एंड एक्चुअली हेल्प अस लिव लॉन्गर, और हमारा जो जीवन है वो लंबा बनाता है। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस केमिकल्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, हमारी बॉडी ऐसे कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जिसे फ्री रेडिकल्स कहा जाता है।
दे कैन डैमेज अवर बॉडी, ये जो केमिकल जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में वो हमारे बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, एंड अवर हेल्थ और हमारे आरोग्य को। टी कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स, टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है कॉल्ड फ्लेवोनाइड्स, उसे फ्लेवोनाइड्स कहते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दिस हेल्प टू प्रोटेक्ट अवर सिस्टम, साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि इससे हमारा सिस्टम को हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉडी के सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट फ्री रेडिकल, ऐसे जो मूलक हैं उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर मेनी पीपल टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक टू हैव विथ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के लिए जो टी है एक पॉपुलर ड्रिंक है पीने के लिए। इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टी ड्रिंकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल ओकेजन, बहुत सारे कंट्री में टी जो पीना है चाय पीना एक सोशल ओकेजन है। जापान चाइना रशिया एंड कोरिया हैव स्पेशल टी सेरेमनी, जापान चाइना में रशिया कोरिया में स्पेशल टी सेरेमनी समारंभ और परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं। दीज सेरेमनीज गिव पीपल द टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय द टी, ये जो समारंभ है लोगों को टाइम देते हैं रिलैक्स करने का, एंजॉय करने का, टेस्ट एंजॉय करने का एंड द स्मेल ऑफ अ टी और चाय का सुगंध लेने का। मोस्ट पीपल इन जापान बिलोंग टू अ टी क्लब वेयर दे गो एवरी वीक टू टेक पार्ट इन द टी सेरेमनी, बहुत सारे पीपल है जापान के जो टी क्लब को बिलोंग करते हैं, वेयर दे गो एवरी वीक टू टेक पार्ट इन द टी सेरेमनी, वो टी सेरेमनी में क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो फील दैट टी सेरेमनीज आर स्पिरिचुअल ओकेजन, जो सामान्य लोग हैं उन्हें भी लगता है कि जो टी सेरेमनीज जो है, टी समारंभ जो है एक स्पिरिचुअल एक धार्मिक ऐसा समारंभ है। दैट आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ देयर रिलीजन, ये उनके धर्म से जुड़ा हुआ है। टी दे से इज अ हेल्दी एन्जॉयबल एंड स्टिम्युलेटिंग ड्रिंक, चाय को वो एक हेल्दी एन्जॉयबल और स्टिम्युलेटिंग उत्साहवर्धक ऐसा पेय मानते हैं। फुल ऑफ गुड क्वालिटी, सारी अच्छाई से भरा हुआ। इट रिड्यूसेस लोनलीनेस, इससे जो अकेलापन कम होता है। एंड काम्स योर हार्ट, और तुम्हारा हार्ट एकदम काम करता है। इट इज़ अ कम्फर्ट इन एवरी डे लाइफ, यह आपके जीवन में खुशहाली फैलाता है। मेनी कोरियंस टूडे स्टिल हैव टी सेरेमनीज, बहुत सारे कोरियंस हैं जिनका आज टी सेरेमनीज हैं। फॉर इम्पोर्टेंट ओकेजन इंक्लूडिंग स्पेशल बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज, जो कोरियन पीपल हैं वो चाय के ऐसे समारंभ आयोजित करते हैं फॉर स्पेशल बर्थडे और सालगिरह पर। इन मोस्ट एरियाज ऑफ चाइना द टी इज मेड इन स्मॉल क्ले टी पॉट्स, बहुत सारे एरिया में चाइना के जो चाय जो होती है वो मिट्टी के छोटे टी पॉट्स में बनाई जाती हैं। एट टी सेरेमनीज कप्स आर ओनली हाफ फिल्ड, जो चाय के जो सेरेमनीज होते हैं समारंभ उसमें जो होते कप्स आर ओनली हाफ फिल्ड, वो आधा ही भरा जाता है। द चाइनीज बिलीव करते हैं दैट द रेस्ट ऑफ द कप मस्ट बी फिल्ड विथ फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन, और चाइनीज बिलीव करते हैं कि आधा ही कप भरना चाहिए और आधा कप जो है वो फ्रेंडशिप और प्यार से भरा हुआ होता है। इन रशिया टी इज मेड एंड सेवरल इन सैमोवर्स स्पेशल रशियन टी केटल मेड ऑफ मेटल, रशिया में भी टी बनाया जाता है और सर्व किया जाता है, परोसा जाता है इन सैमोवर्स, एक ऐसा स्पेशल रशियन टी केटल है जो मेटल से बना जाता है और उसे सैमोवर्स कहते हैं। वियतनाम प्रोड्यूसेस स्पेशल वैरायटीज ऑफ टी, वियतनाम में स्पेशल वैरायटीज ऑफ टी प्रोड्यूस होती है सच एज लोटस टी एंड जास्मिन टी। इन जापान टी इज मेड यूजिंग पाउडर्ड ग्रीन टी, और जापान में जो टी होती है वो पाउडर हरे कलर की टी होती है कॉल्ड माचा, उसे माचा कहा जाता है। द टी इज मिक्स विद बॉइल्ड वाटर
यूजिंग बाम्बू वेस्ट, उसमें बॉइल्ड वाटर में वो टी मिक्स किया जाता है और बाम्बू की विस्क लकड़ियों के द्वारा एंड सर्व इन अ स्मॉल बाउल्स, और छोटे बाउल्स में उसे परोसा जाता है। एंड हाउ अबाउट इंडिया, इंडिया में क्या, द कप ऑफ टी इज ऑफर टू एनी गेस्ट और विजिटर एज अ टोकन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, अपने बड़क अपने मान अतिथियों के लिए एक कप ऑफ टी ऑफर्ड की जाती है गेस्ट को, विजिटर को, हॉस्पिटैलिटी के तौर पर। इवन इन द हम्बलेस्ट ऑफ होम, हर एक घर में मोस्ट इंडियन लाइक देयर टी हॉट विद अ गुड डील ऑफ मिल्क एंड शुगर इन इट, बहुत सारे इंडियन लोगों को गर्म चाय बहुत सारे दूध और शक्कर के साथ पीना पसंद है। इन द रेनी सीजन इट इज ब्रूड विद अ जिंजर टू गिव इट एडिशनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जब रेनी सीजन आता है तो उसे जिंजर के साथ में, अदरक के साथ में वो लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा फिर मेडिसिनल औषधीय गुण उसमें आ जाता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अदर्स एड स्पाइसेस लाइक कार्डमन, इलायची, क्लोव्स, लौंग और मेस, ये दोनों एक ही वर्ड है, लौंग यूज़ करते हैं टू ऐड टू इट्स टेस्ट एंड फ्लेवर, उसका फ्लेवर टेस्ट ऐड करने के लिए। टी इज अ मस्ट आफ्टर अ प्लेट ऑफ स्पाइसी स्नैक्स, चाय जो है एक बढ़िया से स्नैक्स के बाद में लेना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, स्पेशली सुबह और शाम के समय। सम कॉनिसर्स, कुछ जो साइंटिस्ट है, रिलीश डेलिकेटली फ्लेवर्ड जास्मिन टी, उन्होंने खोज निकाला है डेलिकेटली फ्लेवर्ड जास्मिन टी, ग्रीन टी, लेमन टी, इवन आइस टी, हाउ अबाउट यू। तो इस तरह के ये जो अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग स्वाद के टी उन्होंने खोज निकाले, और हाउ अबाउट यू, और आपको कैसे टी पसंद है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग टी का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं, इस तरह से लेसन कंप्लीट हुआ।